तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये बच्चों को डाउट में आएगा, तो या तो थियरी स्ट्रांग हो नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना? नहीं तो बहुत परेशान रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ द लाइट इमिटिंग डायोड? लाइट इमिटिंग डायोड कैसा होता भाई? एलईडी, अलग अलग कलर की एलईडी आती है, ग्रीन व्हाइट, ठीक है? तो एलईडी का क्या काम होता है? एलईडी का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, लाइट देना, ठीक है ना? तो इसमें से पहला ऑप्शन है, मतलब इसमें से चारों कौन सा गलत है भाई? इट इज ए हैवी डॉप्ड पीएन जंक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एलईडी होता है लाइट इमिटिंग, वो पीएन जंक्शन ही होता है और वो हैवीली डॉप्ड होता है। हैवीली डॉप इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर रहेंगे इधर, समझ रहे हो ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर इधर प्लस वाले रहेंगे और इधर निगेटिवली चार्ज रहेंगे, तो ये मूवमेंट ज़्यादा होगा, चार्ज कैरियर की मूवमेंट ज़्यादा होगी फॉरवर्ड बायस में। और जब मूवमेंट ज़्यादा होगा तो कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन का होल का रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा और यहाँ से जो फोटोन आएंगे वो अच्छे खासे इंटेंसिटी के फोटोन आएंगे, जो कि हमारी एलईडी को इफिशियंट और अच्छा बनाता है। अरे भाई, अच्छी इंटेंसिटी देगा, समझ रहे हो ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा हैवीली डॉप करने से मतलब क्वालिटी ऑफ इंटेंसिटी अच्छी आएगी और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है? अब यही बात तुम बुक में पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें समझने में। इट इमिट लाइट ओनली वेन इन फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही बात है। लाइट जो है तभी इमिट होती है जब फॉरवर्ड बायस में होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में अगर करोगे तो रिवर्स बायस में जो होता है वो पीएन जंक्शन डायोड तो काम ही नहीं करता है, बहुत कम नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हूँ, और ये एन टाइप का है तो इसको मैं निगेटिव फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू डिप्लीशन लेयर, ये वाली जो डिप्लीशन लेयर है फॉरवर्ड बायस में वो डिक्रीज हो जाती है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाती है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना? तो इस टाइप से कुछ अच्छी खासी इंटेंसिटी हमें मिलती है, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है? इट इमिट लाइट वेन रिवर्स बायस, जो फॉरवर्ड बायस में काम था रिवर्स बायस में काम, यही मतलब गलत है, ठीक है? एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड इज इक्वल, एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड इक्वल और लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, समझ रहे हो? यहाँ से जो फोटोन बाहर आ रहे हैं, इसको समझना, यहाँ से जो फोटोन बाहर आ रहे हैं रिकॉम्बिनेशन से, तो उनकी जो एनर्जी है, बैंड गैप आप पढ़े होंगे, एनर्जी बैंड गैप, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन से आ रहे हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन जो है होल में जंप कर रहे हैं तो फोटोन बाहर आ रहा है, तो इस फोटोन की जो एनर्जी है दैट मस्ट बी लेस देना इक्वल टू बैंड गैप। क्यों भाई? ठीक है, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगा, जो कि बैंड एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है? मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर फोटोन की एनर्जी बैंड गैप के बराबर होता है, एनर्जी बैंड गैप पढ़ लेना, ठीक है? या नहीं तो कुछ केस में क्या होता है, कुछ फोटोन की कुछ हीट जनरेट हो जाती है, तो बहुत जो फोटोन की कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, या तो वो जो एनर्जी है फोटोन की थोड़ी सी बैंड गैप से कम हो जाती है, ज़्यादा कभी नहीं हो सकती मेरे भाई। आ रहा ना, मज़ा आ गया होगा समझ के? यही बात किताब में बुक में पढ़ोगे तो दिमाग पागल हो जाएगा कि यार सर ने कितनी अच्छी बात कब टाइम में बता दिया, ठीक है? तो ये गलत है, तो ये बी सी डी ऑप्शन सही है, मतलब सी रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब डी सही है, ठीक है? अलग अलग टाइप के मार्केट में एलईडी है, ब्लू ग्रीन लाइट, ठीक है? तो पूरा पूरा डिटेल में पीएचडी करना, रिसर्च करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।